अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। ओके, डिसोल्यूशन चैप्टर है हमारा ये। एक बार गिवन पार्ट पढ़े क्वेश्चन का, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। और मैंने फॉर्मेट्स आपके लिए पहले ही बनाकर रख लिए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना लिया है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है, और बैंक अकाउंट, तीन फॉर्मेट क्वेश्चन ने मांगे हैं हमसे, तीनों के फॉर्मेट मैंने बना लिए हैं। नाउ क्वेश्चन सेज, रीटा चौधरी एंड मिस शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट, इनके फर्म का नाम है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इनकी पीएसआर क्या है? पीएसआर है 1:1। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ऑन 1st of April 2014 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट दी है फर्म की, यहां पर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, बिल पेएबल है, मिस्टर चौधरी का लोन है यानी इनके हस्बैंड का लोन है, रिजर्व फंड मिसेस रीटा चौधरी कैपिटल एंड मिस शोभास कैपिटल यानी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल भी गिवन है। एसेट साइड में बैंक का बैलेंस दिया है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन माइनस करके दिखाया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। नाउ द क्वेश्चन सेज द फर्म वाज डिसॉल्वड ऑन द गिवन डेट यानी 1st of April 2014 को फर्म डिसॉल्व हो रही है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। अब क्या क्या ट्रांजेक्शंस हुई एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो ये चीजें आ रही हैं जो एडजस्टमेंट्स करनी है। मैं एक काम करता हूँ, इन एडजस्टमेंट्स को एक बार स्किप करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दोबारा रिपीट होंगी, वहां समझाना ही है इन्हें। डिमांड देखते हैं क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन ने मांगा है। क्वेश्चन ने मांगा है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, जो मैंने तीनों ही आपको फॉर्मेट पहले बना दिए है। मैंने रियलाइजेशन का भी बना दिया है, कैपिटल का फॉर्मेट भी बनाया है, बैंक का भी फॉर्मेट बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारे पास? हम बैलेंस शीट को खत्म करेंगे। बैलेंस शीट को खत्म कैसे करेंगे? सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज कहां जाएंगी? रियलाइजेशन में खत्म होगी, एक्सेप्ट पार्टनर्स रिलेटेड थिंग्स एंड कैश और बैंक, दो चीजों को छोड़ के सारी चीजें यहां खत्म होगी। चलिए देखते हैं कैसे खत्म करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को खत्म करने के लिए डेबिट करना होगा, अगर क्रेडिटर्स डेबिट होंगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना है? अमाउंट है 75,000, 75,000 रुपए अमाउंट है हमारे पास। चलिए इसके बाद देखिए और क्या है, बिल्स पेएबल है, मिस्टर चौधरीज लोन है, बाय बिल्स पेएबल, बाय मिस्टर चौधरीज लोन, मिस्टर चौधरी का लोन है। अमाउंट कितना है दोनों को देखिए, 30,000 और 15,000, 30,000 और 15,000। इसके बाद उन्होंने हमें दिया है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड तो पार्टनर्स में बांटना चाहिए उनकी रेशियो में, तो यहां बांट देते हैं। सबसे पहले तो यहां ओपनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन रिजर्व फंड, इक्वल पीएसआर है तो इक्वल अमाउंट में बटेगा। देखिए रिजर्व फंड कितने का है, 24,000 का है, तो 12,000 12,000 मिल जाएंगे, 12,000 12,000 मिल गए। इसके बाद देखिए हमारे पास दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दिए हैं 90 और 30, इसे भी लिख दे जो ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा हुआ है, स्पेस छोड़ा हुआ है, 90,000 और 30,000। इसके बाद देखिए और क्या कहा है क्वेश्चन ने। अब आते हैं लायबिलिटी साइड को, हमने खत्म कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जहां करना था। एसेट्स में आए बैंक को, बैंक को अभी खत्म नहीं करना, इसका ओपनिंग बैलेंस बैंक में लिख लीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है बैंक का देखिए जरा, 36,000 है हमारे पास बुक्स में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, स्टॉक है 75 का, स्टॉक की भी बुक वैल्यू खत्म करनी है, तो स्टॉक डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा टू स्टॉक। अमाउंट, अमाउंट है कितना इसका, 75,000, 75,000। इसके बाद देखिए और क्या है हमारे पास, बुक डेट से 66,000 के, टू बुक डेट्स यानी डेटर्स 66,000 के, डेबिट बैलेंस था खत्म करने के लिए क्रेडिट किया। अच्छा प्रोविजन माइनस करके दिखा रखा है, यानी प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, प्रेजेंटेशन के लिए एसेट साइड में दिखाया, अदरवाइज तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसे खत्म करने के लिए डेबिट, यानी
यहां लाना पड़ेगा, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रोविजन अपने आप डेबिट हो जाएगी बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना है प्रोविजन फॉर बैड डेट एक बार बुक में देखें, 6000 रुपए है बुक्स में, इसे भी हमने खत्म कर लिया, इसकी बुक वैल्यू को खत्म किया। इसके बाद आते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग को खत्म करें, 45-48 45,000 48,000 प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या दिया है, गिवन द फार्म वॉज डिसॉल्व्ड। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर, अभी तक हमने क्या किया, हमने सारी बैलेंस शीट को जहां पर भी रखना था उठाकर रख लिया, कुछ चीजों को खत्म कर दिया, कुछ चीजों के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में डाला और बैंक को बैंक अकाउंट में रखा, क्योंकि दोनों बाद में खत्म होने हैं, ये पहले खत्म होगा रियलाइजेशन। चलिए तो कहता है मिसेस रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन, तो मिस्टर का लोन पे कर रहे हैं ये, तो एंट्री क्या जाएगी टू, ये नाम ही लिख देता है ना, इनका नाम ही है ना इसका, तो मिसेस क्यों लिखना है, तो खुद पार्टनर है, टू रीटा चौधरी हस्बैंड्स लोन, हस्बैंड का लोन कितने अमाउंट का था, हस्बैंड का लोन इनके देखिए ये रहा लोन 15,000 का, इसने कहा मैं पे कर दूंगी, तो हमने क्या कहा हम आपको इसका पैसा दे देंगे, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, बढ़ा देंगे, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ, रीटा चौधरी का अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट हो गया। अच्छा इसकी पोस्टिंग यहां आएगी कैपिटल अकाउंट में, मैं 2 मिनट बात करता हूं उसको, ठीक है साथ में कर लेंगे बैंक और सबकी पोस्टिंग एक साथ करेंगे। इसके बाद आइए हमारे पास क्या है, एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 50% ऑफ स्टॉक, इसने स्टॉक भी लिया है बाय, ये कैपिटल अकाउंट है वैसे, कैपिटल लिख लीजिएगा इसमें, मैंने कैपिटल अकाउंट मिस कर दिया, बाय रीटा चौधरीज कैपिटल, ठीक है 50% स्टॉक लिया है इसने, 50% स्टॉक देखिए कितना है हमारा, हमारा स्टॉक है टोटल कितने का, स्टॉक है 75,000 का, 75,000 का आधा कर दीजिए कितना हो गया 37,500, तो 37,500 का स्टॉक उसने लिया कितने पर, 20% डिस्काउंट पर लिया, तो जरा 37,500 का 20% डिस्काउंट मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा, जल्दी बताइए मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी बता दीजिए 37,500 का 20% निकालो भाई, 3,750 तो कितना हो गया 10% हो गया, तो 20% कितना होगा बताइए, कितना अमाउंट आ जाएगा 7,500, ठीक है तो 7,500 हटा देते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास 30,000 रुपए, ठीक है 30,000 रुपए में लिख देता हूं, ये 7,500 हट गया तो 30,000 रुपए में उसने स्टॉक ले लिया, 37,500 का स्टॉक उसने 30,000 में ले लिया। आगे क्या कहता है ये भी मैं लिख दूं, यहां पर 30,000 रुपए इससे लेन इसको हमने दे दिए हैं तो इसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 30,000 रुपए से स्टॉक के लिए। आगे कहता है बुक डेट्स रियलाइज 5,400 रुपए, बुक डेट से कितना रियलाइज हुआ है 5,400 हुआ है, एक काम करो अभी से इनर कॉलम में रख लो, हो सकता है इसने और भी कुछ लिया हो, तो स्टॉक इसने लिया है 50% कितने में 30,000 में, ठीक है हस्बैंड लोन चलो और भी देख लेंगे और कुछ होगा तो, यहां देखो बुक डेट्स रियलाइज 54,000, तो बुक डेट्स की जब बात आती है तो यहां आ जाए हम लोग बाय बैंक, पैसा आया होगा रियलाइजेशन में डेटर्स से यानी बुक डेट से कितना आया, बुक डेट से हमारे पास आ गया है 54,000, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे कहता है बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट, बैलेंस स्टॉक हमने सोल्ड कर दिया, देखो 50% स्टॉक इसे दे दिया था, अगर मैं बात करूं स्टॉक की तो स्टॉक के आप दो हिस्से कर लीजिए, ठीक है एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये, यानी 50-50% है दोनों, ये लॉस पर बिका मतलब ले लिया पार्टनर ने और ये गेन पर बिकेगा, तो 37,500 अब कितना गेन आ रहा है हमारे पास 30% का, तो जरा 30% का गेन निकाल लीजिए आप, ठीक है ना कैलकुलेट कीजिए 37,500 पर कितना अमाउंट है हमारे पास
हाँ जी 30% गेन निकालिए 37,500 पर, कैलकुलेट करके बताओ कितना अमाउंट आएगा। ठीक है 37,500 का 30% बता दो मुझे, कितना बता रहे हैं 11,250। ठीक है तो 11,250 को 37,500 में जोड़ दो आप। हाँ जी तो कितना आ जाएगा 48,750। ठीक है तो 48,750 यहां आ गया स्टॉक से, ये समझ में आ गई बात। देखो 11,250 कितना है 30% है इसका, ये प्लस प्रॉफिट में बिका है तो 48 कितना है 750, 48,750 में ये बिक गया, ये कैश में बिका और ये पार्टनर ने ले लिया। ठीक है इन दोनों का मैंने स्टॉक का आपको एडजस्टमेंट दिखा दिया, स्टॉक का क्या हुआ था। ठीक है चलिए इसके बाद चले हम लोग, सेंडरी क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन्हें हमने पे ऑफ किया है टू बैंक, भाई पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, सन्ड्री क्रेडिटर्स को। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो है कितने 75,000 के, 75,000 पे 10% डिस्काउंट दे दो आप, यानी 7,500 आ जाएगा है ना। हाँ 7,500 का डिस्काउंट दो तो मुझे बताओ क्रेडिटर्स को कितना पे करना पड़ेगा, कितना 67,500। ठीक है 67,500 हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे आफ्टर 10% डिस्काउंट। इसके बाद हमारे पास क्या है, बिल पेबल वर पेड इन फुल, बिल पेबल कितने के थे 30,000 के, तो बिल पेबल को हमने पूरे 30,000 पे कर दिए। इसके बाद आए आगे, आगे हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी लाए 75,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग ध्यान रखिएगा ये अकाउंट नहीं यूज हो रहे हैं, ये तो बस मैं डिटेल दिखा रहा हूं आपको, ये डिटेल में बाहर वर्किंग नोट में बना सकता था। तो कितना रियलाइज हुआ 75 और 1,20,000, 75,000 और 1,20,000 ये रियलाइज हुआ हमें इन एसेट से। आगे कहता है मिसेस रीटा चौधरी टुक ओवर गुडविल ऑफ द फॉर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। तो मैंने यहां रीटा चौधरी ने तो स्टॉक लिया, गुडविल और लिए है, गुडविल कितने में ली है ये भी 30,000 में ही ली है, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल हमारे पास बुक्स में देखो थी नहीं बट कैलकुलेट कर ली होगी, ठीक है गुडविल कैलकुलेट की इन्होंने और वो उसने खरीद ली, मैंने गुडविल का अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया, ये तो मैंने वर्किंग में दिखाया कि ये जो रीटा चौधरी को हमने दिया है कितने का सामान दे दिया 30 का, ये 30 का यानी 60,000 का सामान दे दिया। अकाउंट रीटा चौधरी का कैपिटल अकाउंट आया है ना कि गुडविल या फिर स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक अकाउंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है और गुडविल पहले था ही नहीं। चलिए इसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,250, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 5,250 रुपए। चलिए जी अब आगे आते हैं हम लोग, अब एक काम कीजिए आप जरा पहले तो मुझे इन तीनों का टोटल बता दीजिए, इन तीनों का बताइए फिर इन चारों का टोटल बताइए, ये तो 60,000 आ ही गया है, 60,000 मैं यहां लिख देता हूं ठीक है ना। चलिए मुझे इन तीनों का भी टोटल बताइए और इन चारों का टोटल करके बताइए कितना कितना अमाउंट आएगा। हाँ जी जल्दी बताइए कितना अमाउंट आ रहा है बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए किसका बता रहे हैं, क्रेडिटर्स को कितना पे किया है, कितना आ गया बताइए 1,02,750, 1,02,750 हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। ठीक है जी तो यहां लिख देते हैं इसको या यहां लिख दो, चलो 1,02,750 ये आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अच्छा मुझे ये भी बता दो आपको एसेट से कितना रियलाइज हुआ, इन चारों को टोटल करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, कितना बता रहे हैं 297,750, 297,750 सही है अमाउंट 297,750 यही बताया आपने। चलिए ठीक है अब एक काम कीजिए एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल कीजिए, एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल बताओ कितना आ रहा है, पहले मुझे लायबिलिटी साइड का टोटल करके बता दो कितना आ रहा है। हाँ जी ज्यादा कौन सा आ रहा है आपके हिसाब से, जरा देखें हम लोग ये 60,000 आ गया, चलो टोटल करो पहले आप टोटल कर लो फिर मुझे बताओ कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कितना है 483,750, क्रेडिट साइड ज्यादा है और कितना अमाउंट बताया आपने 483,750,
जरा चेक करो, 750 तो आ रहा है। चलिए अब एक काम करो, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप चेक तो कर लिया ना, क्रेडिट ज्यादा है कहीं गड़बड़ हो जाए, क्रेडिट पक्का? चलो ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 483,750। अच्छा ये वर्किंग नोट वाला पार्ट में थोड़ा इरेज कर दूं, यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, ये मेरे काम का नहीं है, ये मैंने वर्किंग के लिए दिखाया था आपको। चलिए अच्छा, तो कितना ज्यादा है ये बताओ, वो ज्यादा क्या निकल कर आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गेन हुआ है हमें, कितना गेन आया बताइए, वो गेन जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में, तो कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा। कौन कौन है पार्टनर? रीटा, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या था? मिस शोभा, तो शोभा लिख देता हूं। हाँ जी, तो मुझे बताइए कितना आ रहा है, पहले तो गेन बताइए कितना आ रहा है, कितना? 1,32,000। पक्का 1,32,000 का गेन बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। 1/32 के गेन को पीएसआर इनकी बराबर है तो इसे बराबर बराबर बांट दे, कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? 66 66 ईच आएगा, 66,000 ईच। आपने क्या किया, 1,32,000 को इक्वल रेशियो में, यानी इसका 1/2 कर दो, बराबर बराबर हिस्सा आपने इन दोनों को दे दिया। चलिए जी आ गया, अब आते हैं हम लोग आगे की चीजों पर। अब जो चीजें हमने लिखी हैं, जैसे ये कैपिटल अकाउंट हिट किया है, ये बैंक अकाउंट हिट किया है, ये कैपिटल अकाउंट हिट किया, तो इनकी पोस्टिंग कर दें करस्पॉन्डिंग दूसरे अकाउंट्स में। और तो पहले रीटा चौधरी का कैपिटल अकाउंट देखो, रीटा चौधरी का अकाउंट हमें ये अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट करना चाहिए बाय रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन में मैं डिटेल चाहो तो डिटेल लिख देता हूं, ये किस लिए था? ये इसके हस्बैंड का लोन था, हस्बैंड लोन हमने कहा आप पे कर देना तो हमें इसे देना होगा, कितना अमाउंट है? 15,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद इसने कुछ एसेट्स भी ले ली बिजनेस में, तो उसके लिए उसका अकाउंट घटाना होगा 60,000 रुपए से, तो भी हटा दे, वो भी कारण क्या है? रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन किस लिए? एसेट्स उसने लिए हैं, स्टॉक और क्या था? गुडविल। 60,000 रुपए में उसने ये लिए दोनों चीजें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद है बैंक, बैंक पर आए। एक ये पहले ये उड़ाओ दे, कैपिटल अकाउंट का, ये भी कैपिटल अकाउंट हिट हुआ है ना, यहां भी कैपिटल अकाउंट हुआ है, यहां भी और यहां भी, जो कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग से वो कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? प्रॉफिट, ताकि पता लग जाए किस लिए आया, 66,000। चलिए जी हाँ जी आ जाइए आगे। अब आते हैं जरा बैंक में, बैंक में पैसा आया है, बैंक में इन एसेट्स को रियलाइज करने से पैसा आया है, यानी बैंक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। रियलाइजेशन क्रेडिट, तो बैंक को डेबिट करो, रीजन क्या दो? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 2,97,750, ठीक है जी। अच्छा हमने पे भी किया है लायबिलिटीज को, कितना? 1,02,750, 1,02,750 बाय रियलाइजेशन, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है? बैंक क्रेडिट हुआ है, किसके कारण? रियलाइजेशन के कारण। चलिए पोस्टिंग सारी हो गई, अब करते हैं, ये अकाउंट क्लोज हो गया, अब इन दोनों को साथ में क्लोज करना होता है, तो कैसे क्लोज होते हैं? इनके क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएंगे, जो बैलेंस आ रहे हैं उनको हम पे कर देंगे। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ कितना आ गया हमारे पास, जरा इसका टोटल करो, 90, 100, 108 आ रहा है, देखिए जरा 108 आ गया, ठीक है मेरा 108 आया, आप भी चेक कर लीजिए 108 ही आ रहा है ना, देखो बेटा कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, 108 आ गया, ठीक है। अच्छा अब जरा इससे इनका और टोटल करो, 90, 100, 110, 110, 70, 70 और ये 81, 83, 183 आ रहा है मेरा, ये आपका कितना आ रहा है? 183, 1,83,000 आ गया मेरा ये क्रेडिट। अच्छा डेबिट तो साइड नॉर्मल दिख ही रहा है आपको, कम ही है, ठीक है, तो हम ये पेमेंट कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आने चाहिए थे इनकी जगह हम क्या करेंगे? पे ऑफ कर देंगे। चलिए तो ये होगा पेमेंट 1,08,000 का, और ये कितना है? 183, तो 183 में से 60 हटा देंगे, यहां तो क्या हो जाएगा? पेमेंट होगा बैंक से, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर आया जो बच गया था इनका, 1,08,000 हम पे करेंगे शोभा को, और यहां से 60 हटा दीजिए तो 1,23,000 बच गए, देखिए 1,23,000 ही बचे हैं ना, ठीक है। चलिए इन्हें पे कर देते हैं हम लोग, यहां पर आइए बाय,
पहले तो, या चलो कैपिटल ही लिख लेते हैं, अलग अलग लिखो चलो ठीक है, बाय मिसेस रीटा चौधरीज कैपिटल, स्पेस थोड़ा कम है, रीटा चौधरीज कैपिटल अकाउंट कितना पे कर रहे हैं हम उसे 1,23,000, और बाय मिस शोभा कैपिटल अकाउंट कितना पे कर रहे हैं 1,08,000। चलिए जी अब एक काम कीजिए, दोनों साइड को टोटल करके देखिए आप, आपका बैलेंस मैच कर जाएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रहे होंगे। अच्छा ये अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट तो आप लिख देंगे ठीक है। चलिए तो मुझे आप दोनों पहले इस साइड का टोटल बता दीजिए, डेबिट का कितना आ रहा है जल्दी से बताइए, टोटल करके बताओ मुझे कितना आ रहा है डेबिट का टोटल। ये 36,000 प्लस 297,750 ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 3,33,750 पक्का, 3,33,750। अच्छा अब एक बार जरा क्रेडिट साइड को टोटल कर दीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए 1,02,750, फिर 1,23,000, फिर 1,08,000, तो कितना आ गया बताइए टोटल करके, ये वाला कितना आ रहा है साइड का बताइए, सेम अमाउंट आ रहा है 3,33,750 ठीक है, 3,33,750। चलिए जी तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी है ये, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा ओके। चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस। अब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए हमारा YouTube चैनल है SR Accountancy Classes के नाम से, इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे ठीक है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया है, चैनल का नाम है हमारा SR Accountancy Classes। आप हमारे चैनल को YouTube पे सर्च कर सकते हैं, youtube.com पे जाइए, आपको हमारी सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं, एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस ही लिखना है आपको यहाँ पर भी ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और इंफॉर्मेशन देनी है आपको, सपोज आपके कोई डाउट्स हैं या फिर क्वेरीज हैं रिलेटेड टू आर वीडियोस और द टॉपिक विच वी हैव टॉट, जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं उसके रिलेशन में कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब पर जाकर ही कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं। आप YouTube पर जाइए, जैसे वीडियो देखते हैं तो सबसे नीचे कमेंट कॉलम आता है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कमेंट कॉलम में आप मुझे लिख सकते हैं अपने डाउट्स और क्वेरीज को ओके। तो एक और चीज है आपके लिए, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूं अपना, आर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9261004x7, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो WhatsApp पे कॉल कर लीजिए या चाहे आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं हमें ठीक है, यानी आप WhatsApp पर भी कर सकते हैं यहां पर हमसे कॉन्टेक्ट, और थ्रू कॉल या टेक्स्ट मैसेज हमें कर सकते हैं ठीक है। अगर आपको लगता है कि डाउट और क्वेरी कमेंट कॉलम में नहीं क्लियर हो पाएगा तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपको ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आ जाता है ठीक है ना, एक रिमाइंडर आ जाएगा कि हमने नया वीडियो अपलोड किया है, पर कब आएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ठीक है। तो एक बात ये हो गई, और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्लेलिस्ट। आप जब भी वीडियोस को देखते हैं तो अगर आप नॉर्मली चैनल पर जाएंगे ना तो आपको वीडियोस रेंडम ऑर्डर में मिलेंगे, हो सकता है चैप्टर 1 हो, उसके बाद चैप्टर 9 हो, चैप्टर 6 हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन दैट ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप चैनल पर जाइए, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज अलग वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज अलग वीडियोस मिलेंगे और एक सीक्वेंस में मिलेंगे ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी कंप्लीट वीडियोस के एसेस के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है। थैंक यू।